विद्यापीठ में जब हम आए तो हमारे लिए थोड़ा अलग इमोशन था, क्योंकि हमें पता था कि अब हमारे नीट देने की बारी है। विद्यापीठ में टेक इनेबल्ड क्लासेस हैं, उसका कितना रोल है? आप कई बार ऐसा होता है कि आपने कंसेप्ट उस समय पढ़ा, उस समय समझ में आया, लेकिन फिर बाद में आप भूल जाओगे, तो वो दोबारा हम रिकॉर्डिंग ओपन करके उस पार्ट में जाकर के वो चीज़ें दोबारा देख सकते हैं। वहाँ पर अचानक जब तबीयत मेरी ख़राब हुई, मुझे चक्कर आना स्टार्ट हुए, मुझे लग रहा था कि मैंने 2 साल जितनी भी मेहनत की है कहीं वो ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि सामने घड़ी चल रही थी, मुझे लग रहा था 4 बज गए और मैंने वो एमआर स्टार्ट नहीं करी है अभी। हे गाइस, आज हम मौजूद हैं ऐसी बच्ची के साथ जिनका नाम है प्रियांशी अग्रवाल, और जिन्होंने एक कहावत को आज सच कर दिखाया है। कहते हैं ना कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो चलिए जानते हैं प्रियांशी से उनकी जर्नी के बारे में। फिलहाल ही अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है इन्होंने, और इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए इनको हम सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे। प्रियांशी, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ऐसा स्कोर गेन किया है। तो थोड़ा अपने इस जर्नी के बारे में बताइए, क्या चीज़ें हैं इस जर्नी के बारे में? तो मतलब वर्ड्स भी नहीं है हमारे पास, तो इतनी प्यारी जर्नी रही है, क्योंकि मेरे पास पहली कोचिंग थी मेरी, मैंने 10th तक कोई भी कोचिंग नहीं ली है। इवन 10th में भी जो ऑनलाइन मैंने पढ़ा है वो PW के प्लेटफॉर्म से ही पढ़ा हुआ है। तो 11th में जब मैंने एडमिशन लिया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कोचिंग है प्रयागराज में, लेकिन था कि PW नया नया आया था, पाठशाला आई थी यहाँ पर, तो हमने वहाँ पर एडमिशन लिया था। पूरा 2 ईयर्स का कोर्स मैंने एक साथ लिया था। तो उसके बाद हमारा 11th बीता, हमने टेस्ट दिए, बहुत सारे टेस्ट हुए हैं, बहुत सारी नॉलेज हमें मिली है वहाँ पर, रिवीजन का भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हमें मिला था। उसके बाद फिर 12th में विद्यापीठ यहाँ पर आई, तो हम लोग को डायरेक्टली विद्यापीठ में भेज दिया गया था, क्योंकि पाठशाला बंद हो गई थी। तो विद्यापीठ में जब हम आए तो हमारे लिए थोड़ा अलग इमोशन था, क्योंकि हमें पता था कि अब हमारे नीट देने की बारी है। नीट पुराने लोगों का बीत गया, हमें देना है 2024 का नीट। तो थोड़ा एंग्जाइटी भी आने लगा था कि यार अगर 12th जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं 11th भूल ना जाएं, ये डर भी था, लेकिन था कि अब कंटिन्यू तो करना ही है, जिस एम के लिए थे उसके वो टाइम आने वाला है अब। तो फिर स्टार्टिंग की हम लोगों ने, सब वैसे ही चल रहा था, टीचर्स यहाँ पर ऑफलाइन हमें पढ़ा रहे थे, ऑफलाइन समझना थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं उनसे उसी टाइम पर। तो ये चीज़ें हमारे साथ थी, हम लोग सॉल्व करते, बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी आई, कई बार तबीयत मेरी ख़राब हुई, कई बार एक्सीडेंट हुए हैं मेरे, क्योंकि स्कूटी से आते थे हम यहाँ पर। तो लेकिन यही रहता था कि अगर ऐसा एक्सीडेंट हुआ है कि चल नहीं पा रहे हैं तो मत आओ, लेकिन अगर चल पा रहे होते थे ना तो ज़रूर आते थे, क्योंकि क्लास नहीं छोड़नी है। अगर क्लास छूट भी जाती थी तो यहाँ पर रिकॉर्डिंग आ जाती थी PW ऐप पे हमारे लिए, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था कि अगर कभी छूट जाए क्लास तो वो है हमारे पास, कोई कंटेंट हमारा छूटेगा नहीं। और फिर टेस्ट होते रहे यहाँ पर, AITS होता रहा। AITS मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब शुरुआत में टफ लग रहा था AITS, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं थी उतनी, 11th की चीज़ें नहीं थी हमारे पास। बट बाद में जैसे जैसे हम लोगों ने रिविजन करना स्टार्ट किया, वैसे लगने लगा कि AITS काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट हमारे लिए हो रहा था, और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन थे जो हमने पढ़े हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी, काफ़ी अच्छी मार्क्स भी आ रहे थे, रैंक भी स्कोर की है उसमें भी। उसके बाद यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ होती थी हमारी, रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ चल रही थी। फिर एट दी एंड हमारा रेप्लिका टेस्ट आया, नीट रेप्लिका, लास्ट के 3 दिन जो मैंने 3 दिन टेस्ट दिए हैं, वो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नंबर स्कोर किए हैं, 720 स्कोर किया है वहाँ पर 3rd मे को। फिर फिफ्थ, वो उसने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ऊंचा कर दिया था, क्योंकि उस 3 दिन से पहले मैंने सोचा नहीं था कि 700 पार करेंगे, मतलब महसूस सर के अलावा किसी ने मतलब बोला नहीं था कि 700 पार कर पाओगे तुम। पापा मम्मी का भी ये था कि कोई बात नहीं, जितने आ रहे हैं तुम टेंशन मत लो, ठीक है 650 भी आ जाएंगे तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे नंबर है, डॉक्टर तो बन जाओगी। लेकिन मन में था कि नहीं, 700 पार करने ही है, बिलीव था 700 पार करेंगे। और फिर वो जो 3 टेस्ट हुए उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मम्मी पापा भी बोलने लगे, 700 पार कर जाओगी तुम, बिल्कुल कर लोगी। फिर जब नीट दिया, इसी कॉन्फिडेंस की वजह से नीट में टेंशन उतनी नहीं हुई थी मुझे। इवन तबीयत भी जब ख़राब हुई तो मुझे टेंशन नहीं हुई, क्योंकि मेरे को था कि उसमें इतना अच्छा स्कोर किया था तो यहाँ पर भी कर लेंगे। फिर जब आए तो आंसर की मिलाई तो 705 उस समय। तो एक बार फिर बधाई हो आपको कि 705 आपका स्कोर आ रहा है। तो जैसा आपने कहा, आपने AITS दिया था तो 3 दिन पहले, और मतलब ऐसे रेप्लिका टेस्ट में आपके 720 क्रॉस कर गए थे, पूरा मार्क्स आ गए थे। तो अच्छा, उस समय जब आप टेस्ट देते हो तो सेम एनवायरनमेंट आपको AITS में फील होता है जैसे आप नेक्स्ट टेस्ट असली देने वाले होते हो? जी, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमने ऑफलाइन टेस्ट दिए हैं AITS भी सारे, तो यहाँ पर भी वैसे ही माहौल होता था जैसे वहाँ पर नीट में हमें मिला था। बट वहाँ पर, यहाँ पर क्या था, थोड़ा ठंडा मौसम है, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गर्मी था नीट में, बट बाकी सब कुछ तो बिल्कुल सिमिलर था। ओके, हाँ, तो मतलब फीलिंग आ रही थी कि हम रियल टेस्ट। हाँ, रियल टेस्ट, और PW रियल टेस्ट तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल था हमारे लिए,
उसने तो बिल्कुल एग्जैक्ट क्रिएशन कंडीशंस क्रिएट कर दी थी जैसे हमारे को नीट में मिली है. तो मतलब पीडब्ल्यू का वो उस लेवल तक टेस्ट जाता हाँ, है हाँ, कि उस लेवल तक जाता है कि आपको इतना ज़्यादा झेलना नहीं पड़ेगा ना पर आप नीट देने जाओगे जब. हाँ ओके. तो यहाँ पे DPPs मिलते हैं. जी जी बिल्कुल. 21 डेज में टेस्ट रहते हैं जी. रिवीजन टेस्ट होते हाँ, हैं हाँ, हाँ. यहाँ का सिलेबस होता है. तो इज इट सफिशियंट आपकी प्रिपरेशन के लिए या कुछ अदर रिसोर्सेज आप रिकमेंड? इट्स मोर देन एनफ. मतलब मैंने तो कोई और बुक्स ली भी नहीं थी. मैंने कोई और बुक्स प्रेफर नहीं की थी. मैंने पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स, उसकी डीपीपी एंड इवन जो अलग अलग बैचेस आते थे उसमें प्रैक्टिस शीट्स आती थी वो भी मैंने की हुई हैं. Okay. मतलब बाकी कोई ऐसी बुक मैंने ली नहीं थी कि जिससे मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी हो, थ्योरी पढ़नी हो. थ्योरी तो कहीं और से पढ़ी भी नहीं है. इवन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स और डीपीपी और जो टेस्ट होते थे उन सब से ही किया है. वो मतलब बहुत ज़्यादा सफिशिएंट थे वो चीज़ें, अलग से करने की नीड नहीं होती थी. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर आपका कुछ ओपिनियन रहेगा यहाँ के टेस्ट के बारे में, जैसे कुछ चीज़ बढ़नी चाहिए या कुछ कम होना चाहिए, कुछ अगर ऐसा ओपिनियन टेस्ट और मॉड्यूल्स को लेके आपका? मतलब ऐसा तो कुछ नहीं रहेगा क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं. मतलब ऐसा कुछ उसमें करने की ज़रूरत नहीं है एडिट करने की. बहुत अच्छी चीज़ें हैं वो. अच्छा जी ओके. तो जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि आपका एक्सीडेंट वगैरह भी हो गया था और सेंटर पे जब आप टेस्ट देने गई तो वहाँ भी आपने बताया कि तबीयत खराब हो गई थी. तो क्या फील आ रहा था? लग रहा था कि टेस्ट छोड़ दूँ, क्या करूँ क्या? मतलब यहाँ पर जब मुझे मेरा एक्सीडेंट होता था क्योंकि यहाँ पर तबीयत खराब होती थी तो सब लोग से बात कर लेते थे तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती थी कि ठीक है दे जाते हैं कोई बात नहीं. यहाँ पर तो मम्मी पापा हैं साथ में, अभी तक मम्मी पापा छोड़ के आएंगे वहाँ पर. वहाँ पर टीचर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन मेरी यहाँ पर जब नीट के पहले भी मेरी एक हफ्ते तक बिल्कुल तबीयत ठीक थी, मुझे कुछ भी नहीं दिक्कत थी. वहाँ पर अचानक जब तबीयत मेरी ख़राब हुई, मुझे चक्कर आना स्टार्ट हुए, मुझे लग रहा था कि मैंने 2 साल जितनी भी मेहनत की है कहीं वो ख़त्म ना हो जाए. क्योंकि सामने घड़ी चल रही थी, मुझे लग रहा था 4 बज गए हैं और मैंने OMR स्टार्ट नहीं करी है अभी, और मुझे वॉमिटिंग पर वॉमिटिंग हुई जा रही है. इतना ज़्यादा मुझे पैनिक लग रहा था. मतलब रोना भी आने लगा था उस समय कि अब क्या होगा. मुझे लग रहा था भगवान मेरे साथ कर क्या रहे हैं, मैंने ऐसा क्या कर दिया. बट खुद पे रखा कि यार कैसे भी करके पेपर तो कंप्लीट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए. अब जितने मार्क्स आएंगे वो भगवान के ऊपर है. मुझे अपना पेपर कंप्लीट करना है, जितनी मैंने मेहनत की थी वो करूँगी. वॉशरूम गए, फेस वॉश किया, नॉर्मल हुए, आए वापस पानी वानी पिया, उसके बाद पेपर करना स्टार्ट किया. फिर धीमे धीमे तबीयत भी ठीक होने लग गई और जब मैं सेंटर से बाहर आई बिल्कुल तबीयत ठीक थी. तो ऐसा जैसे कभी यहाँ पे भी हुआ होगा ना, जैसे पीडब्ल्यू में आने के बाद हाँ. कभी मार्क्स लो हो गए, एंजाइटी? जी जी. मतलब 11th के टाइम पे, बेसिकली 11th पे तो हम लोग बहुत न्यू थे इन चीज़ों को लेकर के. तो जैसे मेरे टेस्ट में कभी मेरे को क्या थी आदत कि यहाँ पर मेरे मार्क्स अच्छे रहे, मुझे था कि यार रैंक आनी चाहिए मेरी. यहाँ पर मेरी रैंक कम होती थी तो मुझे एंजाइटी होने लगती थी कि यार मेरी रैंक कम हो गई है, ऐसे कैसे हो सकता है. तो ऐसे होता था इस चक्कर में. क्या होता था 11th में कि मैंने खाना पीना छोड़ देना था. मतलब पढ़ने के चक्कर में कि नहीं खाना खाना, टाइम वेस्ट हो जाएगा खाना खाने में. तो एक टाइम आया कि इतना मतलब वॉशरूम में मैं ब्रश कर रही थी, इतना बुरा चक्कर आया कि बेहोश. डॉक्टर को दिखाया तो पता चला ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया था. फिर पता चला कि बहुत सारी डिफिशियंशीज आ गई हैं बॉडी में विटामिन्स की. तो फिर मुझे लगा कि गलत है, ऐसा करना बिल्कुल गलत है. पढ़ाई के चक्कर में खाना पीना नहीं छोड़ना है, वरना बॉडी नहीं मानेगी. तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ये नहीं करेंगे, टाइम पे खाना खाएंगे, टाइम पे सोएंगे, बट इतना सोएंगे जितना सफिशिएंट है मेरे मेंटल हेल्थ के लिए. तो बस फिर उतना ही किया था. और फिर जब भी ऐसा लगा कि यार डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, पैनिक हो रहा है, सर लोगों से मैंने बात की है यहाँ पर जी. और सर ने हमेशा सपोर्ट किया. इवन नीट के दो महीने पहले भी, 1 महीने पहले मुझे टेंशन हो रही थी, थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम्स आ रही थी. तो मैंने सर से बात किया कि सर मेरे से नहीं हो रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है. तो सर ने कहा था बेटा हो जाएगा सिलेक्शन. मैंने कहा सर सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन रैंक लानी है. तो फिर सर ने कहा था कि तुम बस सोचो कि सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिस जैसा हो पाएगा बिल्कुल वैसे ही करना, अभी बस खुद पर ध्यान दो और पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा मत सोचो तुम. तो मतलब वो चीज़ें बहुत हेल्पफुल रही हैं मेरे लिए. ओके जी. तो अगला क्वेश्चन मेरा डाउट से रिलेटेड है. आपने इतनी पढ़ाई करी है तो डाउट्स डेफिनेटली आते होंगे. ऑब्वियसली डाउट्स. यहाँ के फैकल्टी का क्या रोल था? आपके कैसे डाउट्स क्लियर होते थे जल्दी होते थे या नहीं होते थे? नहीं, तुरंत हो जाते थे. जैसे हमारे यहाँ जैसे एक तो क्लास के समय पे जब भी जैसे लगता था कि सर ने कुछ पढ़ाया है और हमें डाउट आ रहा है तो अगर उस टाइम का है तो हम लोग तुरंत पूछ लेते थे. और अगर उस टाइम का नहीं होता था तो सर क्लास खत्म होने के बाद थोड़ी देर रुकते थे कि किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, तो सर पूछ लेते थे. और घर जाने के बाद कोई क्वेश्चन अगर आता था तो वो सॉल्यूशंस, DPP के सॉल्यूशंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते थे QR कोड को स्कैन करके. फिर भी ऐसा कोई बचता था कि यार टेस्ट का कोई डाउट बच रहा है, ऐसा कुछ है,
तो नेक्स्ट डे आकर के डाउट फैकल्टी होती है हमारे यहाँ ऊपर, तो वहाँ पर हम लोग जाते थे और वहाँ पर सारे डाउट हमारे क्लियर हो जाते थे। और फिर भी अगर कोई बच रहे होते थे तो सर लोग से कॉन्टैक्ट कर लेते थे तो वो क्लियर हो जाते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि डाउट बचे हो हमारे पास। ओके जी, तो यहाँ पे विद्यापीठ में टेक इनेबल्ड क्लासेस हैं। जी जी, उसका कितना रोल है आपकी जर्नी में? हाँ, उसका तो काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि मेन बात ये हो जाती है कि ऑफलाइन कोचिंग्स में कि अगर आपने लेक्चर वो छोड़ दिया एक दिन का, वो तो छूट जाएगा, आप पीछे हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आती हैं ऐप पे, तो वो कुछ चीज़ छूटने नहीं वाली। और इवन कई बार ऐसा होता है कि आपने कंसेप्ट उस समय पढ़ा, उस समय समझ में आया, लेकिन फिर बाद में आप भूल जाओगे, ऐसा होता है। तो आपको लगता है कि कोई दोबारा से आपको समझा दे वो चीज़, तो वो दोबारा हम रिकॉर्डिंग ओपन करके उस पार्ट में जा करके वो चीज़ें दोबारा देख सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी हमारे लिए इस चीज़ को समझने में। जी, तो अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई की बातें हो रही हैं, मैं माहौल को थोड़ा लाइट करती हूँ। प्रियांशी, ये बताइए कि कब सोचा कि डॉक्टर बनना है, कैसे दिमाग में आया? मैं तो सच बताऊँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूँगी। मेरा सपना था जेई करने का, मुझे जाना था IIT बॉम्बे। ओके, नाइन्थ में मैंने सोचा, मेरी 8th तक मैथ्स अच्छी नहीं थी, नाइन्थ में मैंने सोचा कि प्रियांशी IIT करना है, जेई निकालना है। तो मैंने मैथ्स बहुत अच्छी करना स्टार्ट कर दी 9th क्लास से। 10th में मतलब RD शर्मा वगैरह जितनी भी बुक्स थी मैथ्स की, मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व की 9th 10th। मेरी मैथ्स बहुत अच्छी हो गई थी। 10th में जो होता है हमारा, जो हाफ ईयरली होता है हमारे एग्जाम्स, उसमें मेरे 100 out of 100 आए मैथ्स में। लेकिन मैंने एक अल्टीमेटम रखा कि प्रियांशी अगर 95+ आएंगे बोर्ड्स में तो मैथ्स लेंगे, अदरवाइज मम्मी पापा जो कहते हैं वो करेंगे। मैंने मैथ्स का पेपर दिया, आई स्टिल रिमेंबर, वो 12th April का दिन था, लास्ट बोर्ड्स का हमारा एग्जाम था मैथ्स का। मैंने पेपर दिया, पेपर मैंने देखा, मैंने कहा तो बहुत इजी है यार, मैंने करना स्टार्ट किया। लास्ट में टाइम खत्म हो गया, पेपर छूट गया मेरा। मुझे लगा कि यार मेरे 12-13 नंबर जा रहे हैं उसमें। घर आए, इतना रोए, मुझे लगा कि यार 95 तो क्रॉस होंगे ही नहीं, मेरा सपना कैसे पूरा होगा। तो बहुत रोए उस दिन, तो मतलब मेरा दिन बहुत ख़राब गया कि यार क्या करना है, इतनी मेहनत की थी, ये ही क्यों ख़राब हुआ, बाकी क्यों नहीं ख़राब हो गए। तो फिर पापा ने कहा कि एक काम करो, मैथ्स नहीं लेना तो नहीं लो, लेकिन नीट कर दो, मेरा सपना है डॉक्टर बन जाए मेरी बेटी। तो फिर मैंने सोचा, मेरी दोस्तों ने भी कहा कि हाँ ठीक है वही ले लो, बहुत अच्छा है नीट, बहुत अच्छा प्रोफेशन है डॉक्टर बनना। तो मैंने कहा ठीक है नीट कर लेंगे, डॉक्टर बन जाएंगे। मैंने एडमिशन ले लिया यहाँ पर। 18th June को हमारा रिजल्ट आया बोर्ड्स का, उसमें मेरे 93 थे। उस समय मेरे को लगा कि यार थोड़े दिन रुक जाते तो शायद वो कर लेते, लेकिन डेस्टिनी कुछ और होती है। फिर जो सोचा कि जिस कदम पे रखा है, जहाँ पर कदम रखा है, उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। अब यहाँ पर आ गए हैं तो यहीं पर बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छी फील्ड में जाना है यहाँ पर। अब तो प्रियांशी अभी अपने फिलहाल मम्मी पापा का सपना पूरा कर रही हैं, क्योंकि उनके 95 मार्क्स नहीं आ पाए थे, 93 पे ही रुक गए थे। तो वो कोई नहीं, वैसे भी बहुत अच्छा नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई सपना है, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर लोगे उस फील्ड में, तो एक बार उस चीज़ के लिए सोचो, ऐसा कोई अल्टीमेटम मत रखो खुद के लिए, क्योंकि फिर बाद में बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं वो चीज़ें। बट हाँ, ये भी है कि आपको लगता है कि आपको मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। मम्मी पापा की भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका सपना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जी, तो फैमिली में अभी तक कोई डॉक्टर नहीं है? फर्स्ट डॉक्टर। तो मतलब परिवार की पहली बेटी डॉक्टर मतलब बनने जा रही हैं प्रियांशी। तो प्रियांशी, अगर मैं आपसे कहूँ कि एग्ज़ाम डे वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी कि मुझे ये करना है ये नहीं करना है? एग्ज़ाम डे मैंने पहले से सोच लिया था कि जैसे 5th May को हमारा एग्ज़ाम था, तो मैंने सोचा था कि 4th May को मैथ्स टू मैथ्स 11 बजे, रात के 11 बजे तक मैं पढ़ूंगी, उसके बाद हम सो जाएंगे, कुछ भी हो जाए। मैंने वही किया, जितने बजे मुझे 11 बजे तक जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स थे, जो उसे रिवाइज करना था, मैंने सब कुछ किया, 11 बजे हम सो गए। उसके बाद सुबह कुछ 7 बजे या 6 बजे मेरी नींद खुली, मतलब नींद, आप उस दिन नींद भी आ पाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं था, लेकिन वो कहते हैं साउंड, हाई फ्रिक्वेंसी साउंड मैंने वो प्ले किया और फिर हम सो गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। सुबह 7 बजे जब नींद खुली तो लगा यार अभी वॉल में जितना कुछ लगा रखा है उसको भी तो रिवाइज़ करना है, वो कैसे छोड़ सकते हैं। और मेरी मिस्टेक कॉपी, वो मैंने दोबारा से रिवाइज़ करनी थी, मेरे को लगा इतना कुछ छूट रहा है रिवाइज़ करने को, कैसे हम नीट देने जाएंगे। फिर खुद को कहा कि ठीक है रास्ते में रिवाइज़ कर लेंगे, कॉपी तो रास्ते में रिवाइज़ हो जाएगी, वॉल वाला अभी रिवाइज़ कर लेते हैं। वो सब कुछ रिवाइज़ किया, मिस्टेक कॉपी दोबारा से आधी देख पाए थे, आधी नहीं देख पाए क्योंकि जाना पड़ गया सेंटर के अंदर। बस सेंटर के अंदर गए तो बस यही सोच लिया था कि अब यहाँ पर आ गए हैं तो बहुत अच्छा करना है, जितना पढ़ लिया था पढ़ चुके, अब कुछ भी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। पानी वानी पिया और फिर सेंटर के अंदर गए, मम्मी पापा का आशीर्वाद लेके बस फिर जी। तो पहले ही प्रियांशी ने जैसा बताया AITS वो दे ही रही थी और वो माहौल उनको पता था नीट एग्जाम का एनवायरनमेंट कैसा होता है। एक बात का भी आपने जिक्र किया कि मिस्टेक कॉपी,
जी वो क्या चीज़ है मिस्टेक कॉपी? मिस्टेक कॉपी मतलब ये चीज़ मुझे 11th में नहीं समझ आई थी कि मिस्टेक कॉपी होती क्या है, क्योंकि 11th के समय पे होता है कि यार इतना तो पढ़ना है, अब एक्स्ट्रा क्या करेंगे. 11th के समय पे सब कुछ न्यू होता है हमारे लिए, तो 11th के समय मैंने ऐसी कोई मिस्टेक कॉपी नहीं बनाई थी. जो भी टेस्ट में क्वेश्चन गलत होते थे उसको देख लेते सोल्यूशन, उसको लिखते नहीं थे. तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी मेरी, ये नहीं करना था मुझे. 12th के समय जब 11th की लास्ट आई तो समझ आया कि नहीं यार मिस्टेक कॉपी सब बनाते हैं, बनानी पड़ेगी वरना मार्क्स नहीं बढ़ पाएंगे. तो करना स्टार्ट किया. जितने भी टेस्ट होते थे उसमें जो भी क्वेश्चंस गलत होते थे वो क्यों गलत हो रहे हैं, उसमें क्या रीज़न पड़ रहा है कि कैलकुलेशन मिस्टेक है, कंसेप्ट नहीं आ रहा है, चीज़ें याद नहीं आ रही हैं, उस सबको लिखते थे. कौन सी चीज़ें याद नहीं हैं वो लिखते थे, और पूरा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को कभी कभी पूरा नहीं लिखे, उसका सोल्यूशन पूरा लिख लेते थे कि क्या गलती थी, क्या मैंने सोचा था और क्या मुझे लगाना था वहाँ पर, ये चीज़ें लिख लेते थे. और इवन मतलब कॉपी के दो एंड होते हैं ना, एक शुरुआत में, शुरुआत में ये करना स्टार्ट किया था मैंने, और एंड के साइड में जैसे मेरे डीपीपी के क्वेश्चंस होते थे वो मुझसे नहीं बने अगर कोई क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस को वहाँ लिख लेते थे पीछे के साइड में. तो ऐसा करने से क्या हुआ था कि वो कॉपी मेरी जब एंड मोमेंट पर भर चुकी थी पूरी, उसमें सारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने गलत किए थे पिछले सालों में, तो मतलब उनके कोई गलत होने के चांसेस थे नहीं. तो यही है हमारी मिस्टेक कॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट थी. टॉपर की स्ट्रेटेजी, आप लोग सुन रहे होंगे, मिस्टेक कॉपी जरूर बनाइए. अच्छा, ये मिस्टेक कॉपी क्या फैकल्टी रिकमेंड करती है कि आप लोग बनाएं, या ये आप लोगों की अपनी चॉइस होती है? मतलब टीचर्स तो हमेशा ही कहते हैं कि ऐसी कॉपी जरूरी है कि जहाँ पर आप लिख सको कि आपकी क्या मिस्टेक्स थी. लेकिन बहुत बच्चे अपने मन से करते हैं कि नहीं बनाना. मैंने भी यही किया था 11th के स्टार्टिंग में, लेकिन फिर एंड में समझ आने लगता है कि गलती कर रहे हैं, वो करनी चाहिए नहीं है. जी तो अभी अगर आप ऑलरेडी, मैं तो कह रही हूँ कि आपको अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, इतने अच्छे एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं आपके, तो अगर आपको अपने जूनियर्स को कुछ एडवाइस देनी हो, कुछ स्ट्रेटेजी बताना हो, तो आप क्या रिकमेंड करोगे उनको? मतलब मैं यही रिकमेंड करूँगी सबसे पहले तो कि जो टीचर्स कह रहे हैं उसको ज़रूर सुनो. ये मत सोचो कि तुम्हारे पास तुम जितना सोच रहे हो वो सफिशिएंट है, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, बट टीचर्स के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है. उन्होंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो वो जितना कह रहे हैं अगर वो लग रहा है कि तुम्हें कि नहीं यार ऐसा मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उसको फॉलो करने की कोशिश करो, ज़रूर हो जाएगा. और तुम्हें अगर ऐसा कुछ लगता है कि तुम्हें खुद से भी कुछ करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है, तो तुम अपने टीचर से बात करो कि तुम्हें कहाँ से करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है. और बहुत सारे रिसोर्सेज कुछ इररेलीवेंट चीज़ें भी वहाँ पर होती है, तो इररेलीवेंट चीज़ें अगर पढ़ रहे हैं तो जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो पीछे छूट जाएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. तो टीचर से बात करके ही चीज़ों को खरीदो, चीज़ों को रिसोर्सेज को देखो. ऐसे तो रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी नहीं, PW ने इनफ क्वेश्चंस दे रखे हैं करने के लिए, और जितने भी टेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं. कुछ भी हो जाए, लेकिन मैंने मतलब पूरे 2 साल के जर्नी में सिर्फ और सिर्फ 2 बार टेस्ट छोड़ा है. वो भी टेस्ट छोड़े थे, आ नहीं पाए थे यहाँ पर देने के लिए, लेकिन घर में सॉल्व किया था. जी टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस कंडीशंस में रहकर टेस्ट देना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो, एंड इवन NCERT बायो के NCERT तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फिजिकल का उतना बड़ा रोल नहीं है NCERT का, जितना नोट्स में लिखाया जाता है वो सफिशियंट होता है हमारे लिए. उसमें सारे फॉर्मूले और जितने भी कंसेप्ट, जितने भी एग्जांपल्स होते हैं वो इंक्लूडेड होता है नोट्स में, तो अलग से करने की नीड होती नहीं है. अभी आपने नीट का एग्जाम दिया है, तो इस बार के एग्जाम में कुछ बच्चों ने बताया उनके अकॉर्डिंग बायोलॉजी ऐसा था, फिजिक्स थोड़ा टफ था, आपके अकॉर्डिंग क्या डिफिकल्टी लेवल था पेपर का? मेरे अकॉर्डिंग मैंने जैसे पिछले पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, 2023 का भी मैंने किया था, तो अगर देखा जाए तो बायोलॉजी वॉज मच ईजी. मतलब वो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन वहाँ पर बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा था कि एक को मैच कर लो, वो पूरा आंसर मिल जा रहा था हमें मोस्ट ऑफली वहाँ पर. केमिस्ट्री भी जब हम आए तो केमिस्ट्री में दो तीन क्वेश्चन ऐसे लगे कि शायद वो गलत हो सकते हैं, लेकिन उसको भी जब अच्छे से सोच के सॉल्व किया था तो वो हो गया. फिजिक्स में ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे वहाँ पर. फिजिक्स में पहली बार में लगा कि फिजिक्स यार काफ़ी टफ आई है, नहीं हो पाएगा, लेकिन जब दोबारा दूसरे राउंड में सॉल्व किया तो होने लगा था फिजिक्स भी. एंड वहाँ पर जो 3 क्वेश्चंस गलत हुए मेरे फिजिक्स में, वहीं पर हुए और कहीं नहीं हुए. अगर उससे मेरी तबीयत ना खराब होती तो वो मैं मुझे कर लेना था, क्योंकि वो सर ने नोट्स में कराया था वो क्वेश्चन. वो क्वेश्चन सर ने नोट्स में कराया था, मेरे से गलती क्या हुई, उससे मेरे को चक्कर आ रहा था क्योंकि, तो मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, डायरेक्टली मैं सॉल्व करने लग गई वो क्वेश्चन, और वो ऑप्शन से मैच कर गया, तो मेरे को लगा भी नहीं, कल कन्फ्यूजन भी नहीं आया. अगर कन्फ्यूजन आया होता तो हम दोबारा सॉल्व कर लेते, लेकिन ये गलती हो गई थी मेरे से. मतलब यहाँ के नोट्स इतने सफिशिएंट हैं, हाँ वहाँ आपको मिल जाता है, हाँ, मिल गया, मिल गया था क्वेश्चन. ओके जी, तो अभी मैं सम अप करूँगी, तो कुछ कहना चाहेंगी आप लास्ट में? जी बिल्कुल, बच्चों को मतलब मेरा तो डॉक्टर बनने का एम पूरा हो चुका है, अब बस आपकी बारी है कि आप भी डॉक्टर बनो और अपना एम पूरा करो. जी बिल्कुल, कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से. ये वो बच्ची हैं
जिनकी मदर ने विद्यापीठ सेंटर आकर फैकल्टी को बोला कि इसको बोलो पढ़ाई कम करे। फिर एक बार बधाई देते हैं और उनको विशेस देते हैं कि उनको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले और वो घर की पहली डॉक्टर बिटिया बन के दिखा पाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।